भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा वार्ड नंबर 14 के प्रधान कार्यालय का उद्घाटन किया, तो वही समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ मोहर लगेगी तो कांग्रेस का विमान टूटेगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने आने वाली 1 तारीख को भाजपा के पक्ष में अधिक वोट करने का आह्वान किया, तो वही वार्ड नंबर 14 के प्रत्याशी पति व भाजपा नेता कैलाश गुवारी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन आने के बाद कांग्रेस विधायक वार्ड नंबर 14 की क्षेत्र जनता के साथ सौतेला विवाह कर रहे हैं। भाजपा नेता कैलाश गुवारी अपनी क्षेत्र समस्याओं के बारे में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को अवगत कराते कराते भावुक भी हो गए। भावुकता के साथ भाजपा नेता ने भाजपा के पक्ष में वोट देने की जनता से अपील की। समारोह में जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, पूर्व विधायक जगदीश नारायण मीणा, भाजपा नेता महेंद्र पाल मीणा वार्ड नंबर 12 से भाजपा प्रत्याशी जगदीश नारायण शर्मा सहित पंचायत समिति जमवा रामगढ़ के भाजपा प्रत्याशी मौजूद रहे। तो बता देना क्या रणनीति लेके आप चल रहे हैं चुनाव में? चुनाव में साफ तौर पर कोरोना, ये तमाम मुद्दे हैं जिसके आधार पर जनता में आक्रोश है। ये आक्रोश 21 जिला परिषद जो पहले चुनाव हुए थे उसमें भी जनता ने प्रकट किया था। कांग्रेस मात्र 5 पर जीती, भारतीय जनता पार्टी को 14 पर जीत हासिल हुई थी। इन 6 जिला परिषद और 78 पंचायत समितियों में भी इसी तरीके का आक्रोश देखने को मिला है। दूसरी तरफ लोगों में जो मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, जनधन, उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान, ये तमाम नीतियाँ जिसके आधार पर लोगों में भरोसा बढ़ा है। सर, पार्टी में टिकट वितरण को लेकर कुछ बगावत भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, क्या कहना चाहते हो आप इसके बारे में? देखिए, टिकट एक को मिलती है और दावेदार 10-10, 20-20 लोग होते हैं। ये एक किस्म से पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार का संकेत है कि किसी जमाने में हमारे पास उम्मीदवार नहीं होते थे, आज हमारे पास योग्य उम्मीदवारों की बड़ी संख्या होती है। तो स्वाभाविक तौर पर छोटा मोटा मनमुटा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के मुकाबले, क्योंकि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव लड़ने का हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी, आपस में जिस तरीके का बिगड़ा है उसके मुकाबले तो बहुत छोटा सा काम है बीजेपी के लिए। मुझे लगता है कि सब लोग मिलजुल कर लड़े। क्या देना चाहते हो आप इसके माध्यम से? संदेश यही है कि इस समय जीतना जरूरी है। कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ मोहर लगेगी तो कांग्रेस की सरकार का अभिमान भी दूर होगा और आने वाले समय में 2023 में कांग्रेस मुक्त होने की दिशा में एक ताकत मिलेगी।